सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आज ना तो किसी की प्रेयर लाइफ है, ना वो खुद बाइबल पढ़ते हैं लोग, ना वो आत्मा से खुद पूछते हैं कि लोग क्या कह रहे मेरे आसपास, मैं वो सुनूं या जो मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है मैं वो सुनूं। और जो पवित्र आत्मा बताए वो 100 लोगों की राय से अलग हो सकता है, पर लाइफ में अगर लंबी ब्लेसिंग लेनी तो होली स्पिरिट के अनुसार ही चलना। जो रास्ता होली स्पिरिट आपको दे वो कठिनाइयों से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन रेगिस्तान में एक ऐसा स्थान आएगा जहां नदी होगी, खजूर के पेड़ जो आप देखते हो वो होंगे। मैं आपको होली स्पिरिट की सहायता से कह रहा हूं कि उस रेगिस्तान के बाद एक ऐसा स्थान आएगा, मैंने कहा, जहां नदियां होंगी और फल होंगे। आओ, आपका जी में जी परमेश्वर लेके आएगा और आपको ठंड देगा। वो पवित्रता ही क्या, जो परमेश्वर कहे वो करना, जो वो जैसा कहे वैसा करना, जैसा लगता है, जैसा अच्छा है, जैसा फबता है वैसा नहीं, जैसा लिखा वैसा करना। दाऊद ये भूल गया कि अगर शाऊल की आशीष उसे मिल सकती है तो उसकी भी आशीष किसी के पास जा सकती है, अगर वो ध्यान नहीं रखेगा तो। और देखा फिर दाऊद दोबारा गया, क्योंकि उसने स्टडी की वर्ड ऑफ गॉड, कैसे लेके आना है परमेश्वर के संदूक को, क्या मैंने गलतियां की, क्या मैंने कहां पे मिस्टेक्स की, उनको सुधारा, उनको सही किया, फिर से गया दोबारा, फिर वैसे ही लेके आया जैसे लेके आना चाहिए था। और बाइबल बताती दाऊद एक ऐसा राजा था जिसने युद्ध किए, जबरदस्त युद्ध किए, इतने युद्ध किए, एक भी युद्ध में वो मारा नहीं गया। एक राजे का इतने युद्ध करना, कनान पर फतह प्राप्त करनी, दुश्मनों पर फतह प्राप्त करनी, अपने लोग खिलाफ थे, पराए लोग खिलाफ थे, शैतानी लोग खिलाफ थे, इतनी खिलाफत होने के बावजूद भी एक बंदे का बचना और इतना बुढ़ापे तक पहुंचना कि उसका शरीर गर्म नहीं होता था, कपड़े उड़ाने पर भी, रजाइयां उड़ाने पर भी, इतने बुढ़ापे में एक राजे का पहुंचना अपने आप में एक मिरेकल था, चमत्कार था। क्योंकि एक राजा जो इतनी लड़ाइयां लड़ ले, कभी तो उसके घर से उसे कोई मार देता था, कभी उसके अपने लोग उसे मारते थे, पर दाऊद का ना मरना इस बात का सबूत था कि परमेश्वर उसके साथ है। और लिखा पूरे बुढ़ापे तक, पूरी उम्र भोग के दाऊद परमेश्वर के पास चला गया और उसका अपना वंश सुलेमान उसकी गद्दी में बैठा और उससे भी बड़े बड़े कार्य किए। वो आपको परमानेंट ब्लेसिंग देने के लिए अपने पास बुलाता है। अपनी मूर्खता की वजह से, अपने उस छोटे दिमाग की वजह से उसकी प्लानिंग को खराब मत करो। आमीन। उस छोटी सोच की वजह से जो हमारी जाती नहीं क्योंकि हमारा पास ऐसा रहा होता है, उसकी प्लानिंग को खराब मत करो। आमीन। और देखो कितने साल की उम्र तक, पर वो जानते थे परमेश्वर का काम किस रीति के साथ करना और कितना करना है। अगर जितना प्रभु ने कहा उतना ही करना, अगर परमेश्वर ने 90 फुट का उन्हें जहाज बनाने के लिए कहा तो 91 फुट बना के उसे खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर परमेश्वर ने लुधियाना भेजा तो लुधियाने तक ही रहो, सानेवाल मत जाओ, खन्ना मत जाओ। आमीन। ये सोच के 10 रुपए और बचा लेंगे, जितना प्रभु ने कहा अगर उतना करेंगे। पौलुस को परमेश्वर की आत्मा ने एशिया में जाने से मना कर दिया। अब बाइबल कहती सब जगह जाओ। अब ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपने दास ठहराए, अपने नबी ठहराए, जो आपको एग्जैक्ट बता दें कि आपको क्या करना है। अगर अकेला आप बाइबल पढ़ के सीख सकते तो उसने कहा था कि जाओ सुसमाचार सुनाओ पूरी दुनिया में जाओ। अगर पौलुस एशिया में जाता और पवित्र आत्मा की बात ना सुनता तो एशिया में जाता और रूहें ना बचती, मारा जाता वहां पे टाइम से पहले। प्रभु ने कहा अभी एशिया मत जा, जो स्थान मैं तुम्हें बोलता हूं उसी स्थान पे रहे। कितना जरूरी है पवित्र आत्मा के अनुसार चलना।
वो तब चलेंगे जब प्रेयर करेंगे, जब बाइबल पढ़ी होगी, जब फास्टिंग करते होंगे, संगति करते होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, वो आपकी स्पिरिट को ओपन करे इन वर्ड्स के लिए। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी चर्च। अब आपको समझ आया पुराना नियम पढ़ना क्यों जरूरी है? आप समझते हैं उसमें परमेश्वर की नेचर, उसके हार्ट को। प्रॉब्लम ही है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर खड़ा करता है जिसे, कई बार उसके आसपास के लोगों को भी पता नहीं होता कि परमेश्वर ने कैसा ओहदा इसे दिया है स्पिरिट में। आप इमेजिन करो कि यीशु मसीह के पास आके याकूब और यूहन्ना की मां कहती है कि परमेश्वर जब तू अपने राज में जाए तो मेरे एक बेटे को दाएं और एक को बाएं बिठाना। उन्हें पता क्या लगता था कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह सुबह उठेंगे और बोलेंगे हाला लाला मचा दो, भी चक लो तलवारा, चक दो फटे, मैं आप चल रहे आप राजा बनन, सारे जिन्हें हीलिंग हुई सबनों सद लो, तलवारा चको तो चक दिए फटे, चलो जी राजा बन जी। उनको ऐसा लगता था। उसकी मम्मी आके कहती प्रभु एक नु गृह मंत्री एक नु फाइनेंस मंत्री। प्रभु कहता भैणा ये कोई गृह मंत्री फाइनेंस मंत्री नहीं, मेरे खब्बे ते मेरे सज्जे डाकू चढ़ने ने क्रूज दे उत्ते, ते उन्होंने पता नहीं सी। हालेलुया। जब एक व्यक्ति पूरी तरह से प्रभु में खड़ा होता है तो उनके आसपास के लोगों को भी समझ नहीं होती ये कौन है और कैसा व्यक्ति। आप देखो यहूदा ने मिरेकल्स देखे, लंगड़े चलते देखे, मुर्दे जिंदा होते देखे, 30 सिक्कों में फिर भी बेच दिया यीशु मसीह को। पता है क्यों? उसकी भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि यीशु मसीह राजा बने। यहूदा की जो दिल था ना उसका, वो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा घुस चुका था। कहीं भी जाओ, बिजनेस करो, पॉलिटिक्स में जाओ, आईएएस बनो, अफसर बनो, हाउसवाइफ बनो, हाउस बॉय बनो, जो मर्जी बनो, पर प्रभु में बनो, उसको मत छोड़ो। आपका सोर्स प्रभु का वचन होना चाहिए, और नहीं तो शैतान काम करेगा और यहूदा के दिल में डालेगा, पकड़वा दे परमेश्वर को, इसने तो छूट ही जाना है 30 सिक्के तेरे, इसने तो मिरेकल करना छूट जाना, गायब हो जाएगा परमेश्वर। पहले भी यीशु मसीह को पकड़ के लेके गए थे पहाड़ पे, उसे फेंकने के लिए पहाड़ से, और लिखा यीशु मसीह वहां से निकल गए, किसी की हिम्मत नहीं थी उसे पकड़ने की। क्यों? अभी तक टाइम नहीं आया था पकड़ने का यीशु मसीह को। उसके दिल में था ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने निकल जाना, फिर 30 सिक्के फिर मेरे, जाके स्पा कराएंगे, मसाज कराएंगे, इंजॉय करेंगे। हाँ, पवित्र आत्मा के आगे मत जाओ ना पीछे जाओ, साथ चलो उसके। ये सीक्रेट है परमेश्वर में चलने का। कुछ लोग या तो आगे चलने की कोशिश करते हैं या पीछे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बीच में चलते हैं बैलेंस, डॉक्टर भी बोलते हैं बैलेंस डाइट लो। अगर सेब बहुत अच्छा, अगर सारा दिन सेब ही खाओगे तभी भी बॉडी आपकी बीमार होगी। आमीन। तो बैलेंस खाओ बोलते हैं, और पर भरोसा यीशु मसीह पे रखो, क्योंकि चंगा करने वाला डाइट नहीं, चंगा करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जो करना करो, एक्सरसाइज करो, डाइट लो, कुछ भी करो, पर आपको यह समझ होनी चाहिए हीलर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मेरे ख्याल से आज आप परमेश्वर के और करीब हुए होंगे। तारीफ करो जोर से, जोर से बोलो हालेलुया। और आप जब इसको फॉलो करेंगे ना तो पवित्र आत्मा के आगे ना पीछे, आपकी बॉडी हील होगी, आपका बिजनेस हील होगा, आपकी फैमिली हील होगी, आप डिलीवरेंस में अपने आप को पाता हुआ, आजादी में, छुटकारे में जाता हुआ, एक नए लेवल में अपने आप को खड़ा पाओगे आप। और आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी चर्च। चर्च के बाहर जो लोग हैं अपने हाथों को हिलाओ, जो चर्च के बाहर बैठे। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, टाइम आ रहा है बहुत जल्दी इस चर्च में, जहां अब आप प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहे हैं, जहां अब आप लोगों की गिनती करना भूल जाओगे। और आप बिलीव करो जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, जो आप देख रहे हो वो एक कमरा है, जो आ रहा है ओह वो बड़ा हॉल है। आप सोचो अगर 50-60 हजार 1 लाख लोगों को परमेश्वर कमरा कह रहे हैं तो हॉल कितना बड़ा होगा। आप ये लिख लो, आज नोट कर लो अपने
अपने आईपैड्स पे, फोन पे, अपने कॉपी पे वो टाइम आ रहा है चर्च। मैंने कहा आप गिनती करना भूल जाओगे, आप इस चर्च के पूरे घेरे में जहां भी जाओगे संडे आपको सिर्फ और सिर्फ लोग मिलेंगे। और शायद मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं जो आत्मिक लोग समझ सकते हैं। आप वो टाइम आने वाला चर्च जब आप रास्ते में चल रहे होंगे और लोग इतने होंगे कि पुलपट पे गवाही देने का टाइम नहीं होगा, रास्ते में लोग गवाही देते हुए जाएंगे। रास्ते में आप देखोगे रास्ते में लोग गवाही देते हुए जाएंगे कि टाइम नहीं था आज मेरे को टेस्टिमनी देने का, मिला नहीं, मेरी गवाही ये, आज मैं ऐसे आया था, आज मैं ऐसे जा रहा हूं। आप देखोगे अपनी आंखों से, और ये सालों में नहीं पूरा होगा, मैं कुछ महीनों की बात कर रहा हूं, कुछ दिनों की बात कर रहा हूं चर्च। आमीन। मैं जानता हूं होली स्पिरिट जब आपको एक नए लेवल पे लेके जाता है वो क्या करता है आपकी लाइफ के साथ। कभी भी अपनी लाइफ में कंप्लेंट मत करना। जब आप कुछ एक्सपेक्ट करें और वो हो ना, कभी भी कंप्लेंट मत करना। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट चर्च। आई सेड द बेस्ट इज कमिंग। आई सेड आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस द बेस्ट इज कमिंग। आमीन। मैंने एक बात ध्यान से देखी अपनी लाइफ में, जिस फ्यूचर के लिए परमेश्वर आपको तैयार करते हैं वो नहीं चाहता कि उस फ्यूचर में आपको ट्रबल हो, और उस फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वो ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशन को आपसे अलग करते हैं जो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करने वाले और जमा करने वाले ना हो। कभी कंप्लेंट मत करना। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है ये। अगर आप बेस्ट देखना चाहते हो तो, अगर आप बेस्ट नहीं देखना चाहते हो तो प्रभु को बोल दो, वो आपके मुताबिक चलेगा। ऐसा होता है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से वो चलेगा, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं वो कुछ बड़ा है, वो कुछ बड़ा है चर्च। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। आप स्पिरिचुअली अच्छे लग रहे हैं आज, फिजिकली, फाइनेंशियली, जीसस क्राइस्ट के सामने आप अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा ग्रो करने के लिए रेडी हो जाओ, बंधन तोड़ने के लिए रेडी हो जाओ, आजाद होने के लिए रेडी हो जाओ, छुटकारे के लिए रेडी हो जाओ। आमीन। तैयार हो आत्मिक बनने के लिए? फायदे का सौदा है ये, आत्मिक बनना ये फायदे का सौदा है। हालेलुया। और ये एक डिसिप्लिन वाला काम है। हाँ, प्रभु के सामने उतना बोलो, उतना रखो जितना आप पे वापिस बैक अटैक ना हो। आमीन। उतना उसके सामने बोलो और उस तरीके से, उस आत्मा से सेवा करो जो आपके बेनिफिशियल में हो, जो प्रभु को भाए। आमीन। जब दाऊद को मालूम हुआ एबेदेदोम और उसके घराने को मेरे जैसी बरकत मिली तो उसका माथा ठनका। पढ़ी बाइबल, पढ़ा वचन, मूसा की पुस्तक लेके आओ। कैसे लेके आना है उसको? अपने नहीं मारेंगे हम, अपना इमोशन कोई यूज नहीं करना। जो प्रभु ने कहा है वैसा कर दो। परमेश्वर ने क्या कहा है? कंधे में लेके आना, ठीक है लेके आओ। कंधे में रखा, क्या करना है? नाचना है, नाचो, बलियां दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वही करो जो बाइबल में लिखा है। और दाऊद बच गया और आशीषित हुआ, क्योंकि परमेश्वर दयावान परमेश्वर है, माफ करने वाला परमेश्वर है। अगर आप सुधर जाएं, भूल को सुधार दें, तो फिर से वो आपको खड़ा करने वाला परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर है। आप क्या कर सकते हैं? अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी प्रार्थना करते हुए, प्रभु जी आज का वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए। हालेलुया।
ऊंची 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 आवाज में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं।